DJ Topeng. तो दोस्तों जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा, अगर आपको उस तरह का वीडियो क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम अलाइट इमोशन है। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वहां मैंने दो प्रीसेट का लिंक दिया है, पहला बीट मार्क प्रीसेट, दूसरा इफेक्ट प्रीसेट। दोनों को आपको अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद आपको अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन करके बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन कर चुके और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को भी ओपन कर चुके। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने सॉन्ग को बीट के हिसाब से मार्क कर चुके हैं और इसमें हम अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर चुके हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इसमें अपना फोटो एड करना है। तो फोटो एड करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप वन वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे लेयर देखने को मिलेगा, इन सारे लेयर में आपको अपना फोटो एड कर लेना है। तो चलिए हम इसमें अपना फोटो एड कर लेते हैं। फोटो एड करने के लिए सबसे पहले आपको पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने दो लेयर में फोटो एड कर चुके। इसी तरह से आपको एंड तक सारे लेयर में फोटो एड कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड तक हम अपने सारे लेयर में फोटो एड कर चुके। इसके बाद आपको बैक जाना है। बैक आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका पहला बीट मार्क है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके इस फोटो को आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको इस फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके इस फोटो की ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके इस फोटो को भी आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको इस फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके इस फोटो की ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। इसी तरह से आपको एंड तक अपना फोटो एड कर लेना है। तो चलिए हम इसको एड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड तक हम अपना सारा फोटो एड कर चुके। इसके बाद हम इन सारे फोटो पे इफेक्ट एड करेंगे। इफेक्ट एड करने के लिए सिंपली हम बैक जाएंगे और अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी इफेक्ट पे क्लिक करके हम इसके इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद हम अपने पहले नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक करके हम इसकी इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे और अपने नेक्स्ट वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वाले फोटो को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक करके हम इसकी इफेक्ट को यहाँ भी पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे फोटो पे इसी इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड तक हम अपने सारे फोटो पे इफेक्ट एड कर चुके। तो फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। तो चलिए हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसे हमें सेव करना है, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है। हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। इसके बाद हम यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।